हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आने के लिए शुक्रिया। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी मेरा नया वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपको पता चले। तो चलिए आज हम हमारा नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले काइन मास्टर को आप ओपन कीजिए, उसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद 1:1 का रेशियो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद हम गणपति बापा के कुछ फ़ोटोज़ लेंगे। अगर आपके पास ये फ़ोटोज़ नहीं है तो मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से आपको ये सारे फ़ोटोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, इस सारे फ़ोटो कॉपी कर लेने हैं बार बार ताकि हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट है वो बहुत अच्छा लगे। ठीक है, इस तरह अगर आपको ये नहीं करना है तो ठीक है, तो कम से कम आप 20 या 25 फ़ोटो ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहले फर्स्ट फोटोज़ की साइज़ कम कर देनी है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और इस तरह प्लस वाले अकाउंट पर क्लिक कीजिए और ट्रांजिशन इफेक्ट में जाके क्रोमेटिक जूम को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास ये इफेक्ट नहीं है तो यहाँ पर वो ये देखिए, यहाँ पर नीचे गेट मोड में जाइए, आपको वहाँ से इफेक्ट वो मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से कौन सा भी इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बाद कौन सा भी सेलेक्ट कीजिए पर उसकी स्पीड पूरी कम कर देनी है, ये देखिए इस तरह। उसके बाद हम इसकी भी लेंथ कम कर देते हैं, देखिए एक फ़ोटो, ये 2 फोटो, ये तीसरा फोटो, ये चौथा फोटो और ये 5वां फोटो। उसके बाद प्लस वाला कॉन्फ्लिक्ट क्लिक कीजिए, आपको जो इफेक्ट पसंद है वो सिलेक्ट कीजिए, उसकी स्पीड कम कर देनी है। आपको ये अगले सारे 5 फोटोज़ के बाद ये कर देना है, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले ही कर रखा है, वो मैं सिलेक्ट करता हूँ। ऐसा करने के बाद फिर से प्लस वाला कॉन्फ्लिक जाइए, 1:1 कर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद जो हमने एक्सपोर्ट किया है वो हम ले लेते हैं, देखिए इस तरह आपको ऐसा लगेगा। वो आपका कम से कम 4 से 5 सेकंड तक का ये वीडियो हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसे बार बार कॉपी कर लेते हैं, आपको जितना सेकंड तक चाहिए उतने सेकंड तक आप इसे ले सकते हैं। पहले ही बता देता हूँ मैं, अगर आपको इसका साउंड चाहिए तो मेरा वीडियो डाउनलोड कीजिए और उसका साउंड काइन मास्टर में जाके एक्सट्रैक्ट कीजिए, ये साउंड आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर ऑनलाइन मिले तो देख लेना, मैंने डाउनलोड किया था उसके बाद मुझे तो बाद में ये साउंड नहीं मिला, इसलिए मैंने पहले वीडियो का ही साउंड एक्सट्रैक्ट किया है। देखिए इस तरह फिर से मैं एक्सट्रैक्ट, ये देखिए इस तरह वीडियो पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे नीचे एक्सट्रैक्ट ऑडियो आएगा, उस पर क्लिक कीजिए और फिर से वीडियो डिलीट कर दीजिए। ये देखिए नीचे साउंड आएगा, आपका साउंड जहाँ तक है वहाँ तक सिलेक्ट कीजिए, देखिए इस तरह। और यहाँ पे जाइए कैची पर जाइए और ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हाइड पर क्लिक कीजिए, ये देखिए इस तरह हमारा स्टेटस कैसा लग रहा है आपको दिखाता हूँ। तो उसके बाद मेने में जाइए, बैकग्राउंड पे जाइए और एक ब्लैक स्क्रीन सिलेक्ट कीजिए, इसे थ्रेड पर जाइए और फिट टू स्क्रीन करें। उसके बाद ओवरऑल न्यूज में जाके फ्लिकर पर क्लिक कीजिए, उसके बाद इसे यहाँ से ले लेते हैं और यह इसकी लेंथ हम बढ़ा लेते हैं पूरी तरह से वीडियो के आखिरी तक। उसके बाद हमें ये कुछ पार्ट में कट कर लेना है, कैची पर जाइए और स्प्लिटेड अहेड कीजिए, उसके बाद थोड़ा आगे जाइए, उसके बाद कैची पर जाइए प्लेट अहेड कीजिए, उसके बाद थोड़ा आगे जाइए, उसके बाद प्लेट अहेड कीजिए, उसके बाद जो पार्ट रहेगा वो हम डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद इसे यहाँ पर ले लेते हैं वीडियो के एंड तक,
देखिए इस तरह। उसके बाद इसे भी हम यहाँ ले लेते हैं, ये देखिए इस तरह। उसके बाद एक मस्त इफेक्ट दूंगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिली तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, वहाँ पे आपको इफेक्ट मिल जाएगा। देखिए इसे सेलेक्ट कीजिए, इसे फिट टू स्क्रीन कीजिए और ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पर जाकर स्क्रीन वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, देखिए इस तरह। उसके बाद और एक इफेक्ट है, वो हम सारे वीडियोस में ले लेते हैं। सॉरी फिट टू स्क्रीन कीजिए, उसे ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पर जाकर स्क्रीन वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, इसकी साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। उसके बाद इसे स्टार्ट से ले लेते हैं। उसके बाद हम हमारे चैनल का लोगो ले लेते हैं, देखिए इस तरह, या नीचे ले लेते हैं। इसकी लेंथ साइज हम थोड़ी कम कर लेते हैं, उसकी लेंथ हम पूरी वीडियो के एंड तक बढ़ा लेते हैं। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा फेंट करना चाहते हैं तो अल्फा अल्फा ओपेसिटी पे जाइए और इसकी क्लियरेंस है वो आप कम कर सकते हैं। आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारा वीडियो कैसे लग रहा है, देखिए इस तरह। देखिए हमारा आज का वीडियो ख़त्म हो गया है, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में।